हेलो व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर गेम प्ले। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पॉपी प्ले टाइम। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पॉपी प्ले टाइम तो हम खेल चुके हैं, बट ये पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आप चेक करते हैं। फ्लाई इन अ वेब विद पॉपी नाउ फ्री, द सिचुएशन बिगिंस टू चेंज रैपिडली व्हाइल यू सर्च फॉर एनी वे टू एस्केप द फैक्ट्री। न्यू गेम, लोड गेम, मेन गेम। मैंने ये गेम थोड़ा सा खेल लिया है। अब मैं आप लोगों को इस गेम की थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने चैप्टर 1 में इसमें क्या किया था। चैप्टर 1 में आपको याद होगा, जितने लोगों ने देखा उसमें बहुत से गेम्स खेले हैं, उन लोगों को पता होगा। चैप्टर 1 में हम लोग, ये एक फैक्ट्री है जो कि बहुत पुरानी और बहुत अबेंडेंट फैक्ट्री है, जिसमें बहुत टॉयज बनते थे अच्छे अच्छे। तो वहाँ कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते थे वो सब मर गए, वो कहीं गायब हो गए। और यहाँ पे जितने भी टॉयज बनते थे उन सब टॉयज़ के अंदर वो जितने भी एम्प्लॉय मर गए, उनकी रूह जो है उनके अंदर आ गई टॉयज के अंदर। और फिर ये सारे टॉयज जो है हमारे पीछे पड़ गए हमें मारने के लिए। और हम लोग भी जो है इसी फैक्ट्री के एक एम्प्लॉय हैं, आखिरी एम्प्लॉय हम लोग बचे हैं। और अब हमें इस फैक्ट्री से जो है एस्केप करना है और सारे मॉन्स्टर से बच के। तो चैप्टर 1 में जो है आपको पता होगा हगी वगी नाम का एक जो मॉन्स्टर है वो हमारे पीछे लगा था, उसने हमारे पे अटैक किया था, बट हम लोग जो है उससे बच गए थे। और हम जो एक रूम में जाते हैं वहाँ पे जो है एक डॉल रखी हुई होती है पॉपी। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, विद पॉपी नाउ फ्री सिचुएशन बिगिन टू चेंज रैपिडली। यानी वही डॉल जो है उसका नाम पॉपी होता है, वो अब फ्री हो चुकी है और वो अब हमारे साथ साथ है। हम उसके साथ ही एस्केप करेंगे इस फैक्ट्री से। तो मैंने आपको पूरा गेम समझा दिया। और चैप्टर 2 में अभी मुझे नहीं पता कौन सा मॉन्स्टर है, क्या है, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। अभी हम इस गेम को प्ले करेंगे। तो अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू गेम से स्टार्ट करूंगा इसको। Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? तो भाइयों और बहनों, हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ने देखा मॉमी लॉन्ग लेग्स जो है वो अब शायद हमारे पीछे पड़ेगी इस चैप्टर में। तो अभी मुझे, और यहाँ पे वो डॉल रखी थी जो कि अब गायब हो चुकी है। अब पहले तो मैं इस घर से, इस कमरे से बाहर निकलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इस गेम में होने क्या क्या होने वाला है। वॉल्यूम मैंने थोड़ा तेज़ रखा हुआ था क्योंकि ताकि आप लोगों को थोड़ा सुना सकूँ मैं। तो आप लोग ने देखा मॉमी लॉन्ग लेग्स जो है वही है जो इस हमारे एपिसोड में हमारे पीछे पड़ेगी। और दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। आवाज़ आप लोग ने सुनी ली होगी, दिस वे, यानी कि अभी जो है थोड़ा सा जो है कंडीशन वो होने शुरू हो गई है हॉरर वाली। ये हम लोग को डराने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा, मगर हमें डरना नहीं है क्योंकि हम, अरे अच्छा, यहाँ से हमें चढ़ने के लिए जो है इसको पकड़ना पड़ता है क्योंकि ये हमारे ग्रैब पैक, आप लोग को पता होगा एपिसोड 1 चैप्टर 1 में भी हमारे पास ये थे। अरे मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं भूल गया इसको यार, एक मिनट यार गाइस। ओके, हमें यूँ करना है और भागते हुए आके, ओए नहीं रुको भाई मैं भूल गया यार, रुको सब्र करो। ओके भाई, बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद मैं आगे आ चुका हूँ। और अभी ये क्या है भाई, तू कौन है मेरे भाईजान, अपनी आवाज़ सुना। अरे भाई ज़बरदस्त यार, क्या प्यारी आवाज़ है तेरी यार जानी। चलो भाई, अब हमने ग्रैब पैक से ये सारी चीज़ों को हटाना है। यहाँ से हटो हटो हटो, मुझे जाना अंदर। और दरवाज़ा खुल गया। अरे अरे भाई हटो हटो,
क्या पड़ा हुआ है बीच में, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको हटाओ यार, पकड़ पकड़ पकड़, ज़बरदस्त, थोड़ा और जगह बन जाए ना, इसको मैं अंदर ही खींच लूँ, कोई मसला नहीं। ये की, ओके, ये हमें की मिल चुकी है, तो अभी चलते हम लोग बाहर। और अभी ये आई थिंक सो कि भाई किसी दरवाजे की ही की होगी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई कार तो है नहीं कि हम लोग कार स्केप करके जाएं। और अभी यहाँ से ये पकड़े, ये भाई आ गए हम लोग, आ गए, ज़बरदस्त, ओके। और ये चाबी किसकी थी, हैं यार कहाँ गई है वो दरवाज़ा, एक दरवाज़ा था तो यहाँ पे, ये रहा ये दरवाज़ा है, खुल गया दरवाज़ा। और अभी हम लोगों को, ओ भाई क्या VIP, ये ऑफिस लग रहा है मुझे इस कंपनी का, तो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऑफिस है क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ दिख रहा है, इसको मैं क्या है, इसको नीचे करें अगर हम, ओके भाई ज़बरदस्त, तो गाइज आप लोग ने देखा है जिसकी मैं डॉल की बात कर रहा था, वही ये डॉल है जिसका नाम पॉपी है। इसको हमने जो है चैप्टर 1 से उस रूम से बाहर निकाला था, और अब ये हमारे साथ होगी। चैप्टर 3 में भी ये हमारे साथ ही है, और आई थिंक के चैप्टर 4 में ये हमारे साथ रहेगी। हम दोनों साथ ही स्केप करेंगे इस फैक्ट्री से। तो अभी इसने मुझे बोला है यहाँ से जो है तुम पावर लो और इसको दो, और ताकि यहाँ पर कुछ शायद इलेक्ट्रिक इशू है तो वो मुझे करना है। तो पावर लेने के लिए गाइज हमें जो है इन्हीं ग्रैब पैक का यूज़ करना पड़ता है। ये इधर से हम लेंगे और इन दो पोल्स में हम जो है करंट को लगाएंगे इस तरीके से। आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में लाइट आ गई है, और अब यहाँ जाके 2 ये रहा, तो हम यहाँ दे देंगे। I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. I gotta get out of here. As soon as you get on up here. गाइज ये हमारा जो है वो थैंक यू कह रही थी कि भाई हमने इसको बचाया, बहुत अच्छा लगा इसको बचा के। तो अभी मुझे जाना है और आगे, तो अभी मैं आगे जाऊंगा और उसके बाद देखने क्या करना है। यही वो डॉल है, अभी इसने जो है, ओके, ये हमें कह रही दिस वे के लिए, और अब हमें जाना है। ओके, इसने हमारे लिए ये वाला रास्ता खोल लिया, और यहाँ पे ये जो आप रेड और ब्लू देख रहे हो, इन्हीं दो हाथ का इस्तेमाल करना है, जहाँ हाथ दिखे वहाँ चिपका देने का, और जो है फुल मज़े से दरवाजे को खोल देने का। अभी ये खुल नहीं रहा, बेइज्जती हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। ये लगाया और रेड वाला लगा के, और ओके, अभी आप चेक करते ये बार पूरा होते ही हमारा दरवाज़ा खुल जाएगा, खुल गया। और अभी मैं इसको छोड़ दूँगा। ओ भाई जान क्या ख़तरनाक रास्ता, एक बार चेक करो, तुम्हें पूरी खाई है ये पूरा टूटा हुआ रास्ता, क्योंकि हमें यहाँ से भी जो है लटक के ही जाना पड़ेगा। वो आप चेक कर सकते हैं, वो हम उसको पकड़ेंगे और लटकते हुए सीधा आगे। तो अब आप लोग इन्जॉय करें कि मैं कैसे लटकता हुआ जाता हूँ। तो गाइस आप लोग ने देखा वो पॉपी को, तो वो मॉमी लॉन्ग लेग्स ले गई, और अब हमें जो है बस इसको बचाना है, और हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है उससे। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इशू यहाँ पे आ चुका है, ये हमें सॉल्व करना है। और ये इलेक्ट्रिक इशू कैसे सॉल्व होगा आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ से 1 लेना है, 1 से लेके इन दो पोल्स पर हमें करंट दे के, और 2 पे जो है इसको अटैच करना है। तो पहले मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो ये निकल रहा है, तो अभी मैं अपना दिमाग थोड़ा सा लगाता हूँ और अब मैं बता दूँ कि करना कैसे है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत जो है समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से लूँ और इस ब्लू का इस्तेमाल करते हुए जाऊँ यूँ करके, और फिर इधर से लेते हुए इस वाले को मैं दूंगा यूँ। ओके, आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है करंट आ चुका है, और अब जो है
हमें इधर अगर हम देंगे तो ये और ऐसे, ओ अरे थोड़ा सा इधर हो जा मेरे भाई, अरे थोड़ा सा कूद जा, ये कूद नहीं रहा, एक मिनट रुको मैं कूद के ना फौरन से, अरे ये देखो अभी ना थोड़ा सा जो है ये, एक मिनट अभी मैं करता हूँ, ये गया, ओ भाई रे रेड, अरे ज़बरदस्त हो गया था। रुक भाई, तो मैंने आप लोग से कहा था कि भाई हमसे कोई नहीं जीत सकता, हमने जो है इसको लगा लिया और अब मैं यहाँ से इसको रेड पे यूँ दे दूँगा। अरे गया, ये जा क्यों नहीं रहा भाई मेरे, फाइनली हमारा जो है ये किसका दरवाज़ा खुला हुआ है, गेम स्टेशन का दरवाज़ा हमने खोल चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक का इशू था हमने सॉल्व कर लिया और अब हम लोग जाएंगे आगे गेम स्टेशन के अंदर और मैं आप लोग से मिलता हूँ गेम स्टेशन के अंदर। तो अभी फटाफट से हम जाएंगे भागते हुए गेम स्टेशन के अंदर। तो गाइज आप लोग ने देखा यही है वो मॉमी लॉन्ग लेग्स, इसका हमारा जो है पहला जो है सामना आमना सामना हो चुका है भाई। तो इसने जो है आप लोग ने सुना क्या गया, इसने पूरा हमें बता दिया और इसने बोला है कि भाई ये एक गेम स्टेशन है जहाँ हमें जाकर गेम्स खेलने हैं, ये हमसे जो है गेम्स हमारे साथ गेम्स खेलना चाहती है। पहला गेम इसने जो हमें बताया वो बताया म्यूज़िकल मेमोरी और उसके साथ साथ और भी गेम्स खेलने होंगे और इसने साफ साफ कहा है कि आप मेरे रूल्स को मानोगे तो ही आप इस जो है इधर ज़िंदा रह पाओगे और इसी फैक्ट्री के अंदर ही हमें रखना चाहती है। इसने आपने सुन लिया होगा, बाकी आप समझ लेगा खुद ही, थोड़े समझदार बन जाओ भाई। तो अभी मैंने जो है इसको खोल लिया है गेम स्टेशन के दरवाजे को और अभी मैं अंदर जाऊंगा। और ये क्या पड़ा हुआ है, कोई प्यारा सा टॉय पड़ा हुआ है, खून में पूरा पड़ा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं और हम आ चुके हैं अंदर। ओके स्टैचूस है वैका वगी और म्यूज़िकल मेमोरी। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा ऊपर और अभी मैं देखता हूँ, मेरा एक हाथ भी तोड़ के ले गई यार, ये कितनी बेगैरत औरत है। Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. यकीनन तुम लोगों ने सुन लिया होगा कि भाई हमें अब पहला गेम खेलना है अपना म्यूज़िकल मेमोरी, क्योंकि मॉमी ने बोला है तो भाई खेलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और यहाँ से अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि इस गेम में है बहुत सी पज़ल्स जो कि हमें करनी पड़ती है सॉल्व और उनको सॉल्व करने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। पॉपी प्ले टाइम की इस टाइप की गेम्स में बहुत मुझे मज़ा आता है। तो अभी तक तो यार एक मसला और भी है कि जो है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 हमने खेल लिया, चैप्टर 2 खेल लिया, बट जो है चैप्टर 3 का भी कुछ पता नहीं है कि एंड्रॉयड के लिए भाई रिलीज़ होता है नहीं होता, कुछ पता नहीं है। ये मुझे जो जो मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा भाई करता जा रहा है, क्योंकि भाई हम लोग जो है प्रो गेमर है, हमें सब कुछ पता है भाई कैसे करना है क्या करना है। तो अभी मैं इसको दबाऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने जो है समझ लिया इस गेम को कि कैसे करना है, तो उसके लिए भाई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। सामने मुझे पाइप टूटा हुआ नज़र आ गया तो बिल्कुल जो है इस पाइप को जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक जुड़ेगा नहीं तो ये जो लिक्विड अंदर है ये बाहर आ जाएगा सारा।
तो ये हमने जोड़ दिया है, और अभी जो है हमें इसको दबाना पड़ेगा। ज़बरदस्त हो गया ये सीन। और अब जो है हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लानत का साइन, अच्छा नहीं वो हाथ का, हैंड का साइन बना हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलने वाला एक हाथ अपना, जो हम लोग क्रिएट करने, क्राफ्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है भाई, क्या करना है भाई बताओ। ओके अभी 4-5 हाथ बन चुके हैं अपने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त से। और ये हाथ हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे जो, अच्छा ये ओके क्या हो गया भाई। ओ भाई नो पेंट इन मशीन, यानी भाई पेंट ही नहीं है मशीन के अंदर, तो हाथ पे कलर कैसा होगा। तो अभी मुझे शायद आगे जाना है, दरवाज़ा खुल गया अपना। तो भाई तुम लोग मुझे प्रो समझ लो, समझ में आई, अपना ही समझना मत समझो, तुम्हारी गलती है वो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मुझे इस टाइप की गेम्स में थोड़ा सा आइडिया है कि भाई कैसे खेलना होता है, क्या करना होता है, तो उसका मसला नहीं है। ये पेंट का डब्बा हमने ले लिया और अब इसमें डाल देंगे इसको, और अब यहाँ से हम कूद जाएंगे सीधा नीचे और अपने जो है क्राफ्टिंग को जो है कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो है भाई हाथ बन जाए अपना। गाइज हमारे दोनों हाथ आ चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप, ग्रीन हैंड और ब्लू हैंड। अब मैं आपको ग्रीन हैंड की एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, वो ये है कि इस हैंड के अंदर जो है हम लोग कोई भी जो है करंट अगर लेंगे तो वो 10 सेकंड्स तक हमारे पास रहेगा। और इसको मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में देखा था, तो वहाँ से मैंने इसको देख लिया था। जैसा कि मैं आप लोग को एक डेमो भी दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने करंट लिया और अब आप लोग चेक कर सकते हैं करंट इसके अंदर स्टिल अभी तक है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब हम लोग जाएंगे अंदर वापस से, अरे चल मेरे भाई, वरना दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो लपड़ा हो जाएगा बहुत। अच्छा ओके, यहाँ नहीं जाना हमें, तो हमें जाना है कहाँ, जाना है भाई यहाँ भी नहीं, अबे तो क्या कहाँ जाना है, कहाँ है भाई मेरे, अच्छा यूँ जाना है ना। ओके ओ भाई हम लोग पूरा घूम गए हैं और हम लोग आ चुके हैं बाहर, और आ गए हैं भाई म्यूज़िकल मेमोरी गेम के अंदर। अब आप लोग इन्जॉय करें इस गेम को, अब मेरी कमेंट्री ऑफ हो जाएगी। Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Red, green.
red, yellow, violet. Red, yellow, violet, violet. Red, yellow, violet, violet, orange. Red, yellow, violet, violet, orange, white. तो गाइज आप लोग ने देख लिया, हम लोग ने जो है पहला मॉमी का गेम खेल लिया, म्यूजिकल मेमोरी आप लोग ने देखा बहुत ही मुश्किल था, और वो बंजो जो था उसका आप लोगों को बता दिया गया था कि भाई बंजो जो है वो नीचे आता जाएगा कि हमने अगर कलर पैटर्न जो है अगर गलत लगाया तो वो हमारे पास जल्दी जल्दी नीचे आएगा, और अगर हम लोग सही लगाया तो वो ऊपर जाएगा। तो एक बार मैं हार गया था मगर मसला नहीं है, और मॉमी ने हमें जो है ट्रेन का एक कोड का पार्ट दे दिया और उसने अब कहा है कि वो हमारे साथ और भी इसके बहुत से तरीके हैं कि वो हमारे साथ खेल सकेगी, क्योंकि अभी दो गेम और बाकी हैं वो खेलने हैं। तो अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, मैं यहाँ घूम ही रहा हूँ। अच्छा मुझे ऊपर जाना है, यहाँ से यूँ करके मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर चल ले मेरे भाई। नहीं ऊपर नहीं जाना मुझे, ओके मुझे वहाँ जाना है, मगर मैं जाऊँगा कैसे वहाँ पे यार, कूद के जाऊँगा क्या ऐसे? नहीं वहाँ कूद के ही जाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी एक ट्राई मार लेते हैं, क्या पता है ऐसे ये आया मैं भागते हुए, और ये ओ नहीं भाई मुझे कूद के नहीं जाना, मुझे कोई और, ये क्या है रेड रेड, ये समझ में नहीं आया मुझे क्या हो क्या गया भाई ये डेंजर। ओके अच्छा ये हमें निकालना है ना भाई, यार कैसे तुम लोग यार देख रहे हो मगर बता नहीं रहे कोई मुझे, यार मैं घूम रहा हूँ यहाँ से वहाँ पागलों की तरह। चलो यार हम लोग आ चुके हैं भाई बाहर, और अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो बाहर निकल के फिर तुम लोग से मिलता हूँ मैं।
ओके गाइस, हम लोग अभी कहीं और आ चुके हैं क्योंकि अभी मॉमी के दो गेम्स अभी बाकी हैं। तो अभी मैं इस पॉपी प्ले टाइम चैप्टर टू को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आप लोग इसका पार्ट टू, वैसे मैं अपलोड करूँगा तो इस वीडियो पे, यार मैं कहना तो नहीं चाहता मगर यार कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो पे यार ज़्यादा नहीं तकरीबन यार 20-25 लाइक्स तो दे ही दो यार, क्योंकि अभी तक मेरी ऑडियंस मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। तो अगर हो सके तो ये मेरा टारगेट, छोटा सा टारगेट है, इसको पूरा कर दो। मैं तुम लोग से मिलता हूँ पॉपी प्ले टाइम चैप्टर टू के अब नेक्स्ट एपिसोड में। ये वाला एपिसोड पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।